पर वो तो ममता के पीछे पड़े इसलिए उन्हें फुर्सत ही नहीं। अगर ममता मोदी को हरा देगी तो मैं सोचती हूँ शायद डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी फिर देश में। स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ अनुराधा छिब्बर। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों को शहादत देनी पड़ी, तो वहीं इसके लिए पूर्ण रूप से देश का गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह दोषी हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार का ध्यान बंगाल के चुनाव पर है और वे ममता बनर्जी को हराने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत की तरफ आ रही है, जिससे मोदी सरकार को जनता का करारा जवाब मिल रहा है। और गृह मंत्री को इस मौत के लिए जिम्मेदार मानती हूँ मैं, तुरंत मुआवजा दे उन्हें और मुख्य और इसका समाधान करने तक इस्तीफा दें। मैम क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जिस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय काम है, पर वो तो ममता के पीछे पड़े इसलिए उन्हें फुर्सत ही नहीं। और कम्युनिस्ट मिलके तो अलग चुनाव लड़ रहा है, ये तो बाद में चर्चा में केवल ममता और मोदी हैं, पार्टियां तो हैं ही नहीं। एक और ममता, दूसरी और मोदी। अगर ममता मोदी को हरा देगी तो मैं सोचती हूँ शायद डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी फिर देश में। अभी के लिए इस खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।